वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे झूठे चैनल जो है तमाम है, जो दिन भर सिर्फ थंबनेल पर लिख के ही वीडियो बनाते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ गई, यहाँ पे जूनियर भर्ती आ गई और यहाँ पे माध्यमिक आ गए, और आप उसे देखते भी हैं। लेकिन हमारे चैनल में जो भी बातें होती हैं सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती है, लेकिन आप ना ही हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक किया करें। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं नई पीजीटी भर्ती के संबंध में विकी खान की, जो है वह सचिव नवक किशोर जी से मुलाकात की और अपना जो पक्ष है उसे रखा। सेवा में अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज, विषय जो है वह नया विज्ञापन वर्ष 2022 को विज्ञापित किए जाने को लेकर प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पिछले दिनों समस्त आयोगों एवं बोर्ड के अध्यक्षों की मीटिंग में 100 दिनों के अंदर समस्त रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। मोर्चा को यह ज्ञात हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 27,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में रिक्त पदों को भरा जाना आवश्यक। मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के सवाल को गंभीरता से लिया है और जिसमें चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को भी अधिक से अधिक अधियाचन मंगाकर समस्त पदों को विज्ञापित कर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। आप श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि तो कर रहे प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि समस्त विषय के तथ्यों से आपको अवगत कराया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन ही हमारा एकमात्र सहारा है और आपकी महान कृपा होगी विकी खान। तो इस तरह से प्रतिनिधि मंडल ने अपना जो ज्ञापन है वह सचिव महोदय को सौंपा है, और उधर से क्या आश्वासन मिला है उसके संबंध में तो आइए उसे भी देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज प्रतियोगी मोर्चा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विकी खान के नेतृत्व में नया विज्ञापन वर्ष 2022 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 के बचे हुए समायोजन एवं चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की अनुमति को लेकर चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से मुलाकात की। वार्ता के क्रम में नवल किशोर जी ने बताया कि टीजीटी का 4500 अधियाचन एवं प्रवक्ता का 850 अधियाचन आया हुआ है, जिसमें से 266 अभ्यर्थियों का समायोजन वर्ष 2016 में बचे हुए लगभग 25 अभ्यर्थियों का समायोजन एवं विज्ञापन वर्ष 2021 में बचे हुए लगभग 155 अभ्यर्थियों का समायोजन बाकी है, जो कि अगले 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। तो जिनका समायोजन बाकी है उनका समायोजन अगले 7 दिनों के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके बाद बची हुई सीटों को विज्ञापित किया जाएगा। इतने कम अधियाचन को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने ऐतराज जताया है। तो ऐतराज वाली बात यह है कि इतने कम पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा तो इसमें अभ्यर्थियों को कोई भी फायदा नहीं होगा, एवं चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से मिलने का समय मांगा। तो विकी खान ने ऐतराज जताते हुए चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। इस पर डिप्टी सचिव ने बताया कि आपको 24 घंटे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय बता दिया जाएगा। तो अभी अगले 24 घंटे के अंदर ही चयन बोर्ड का अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए समय जो है वह विकी खान को बताया जाएगा। अब अगली रणनीति नए विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के बाद ही तय की जाएगी। प्रतियोगी मोर्चा का यह पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए चयन बोर्ड अधिक से अधिक विज्ञापन जारी करने का प्रयास करें, जिससे कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। प्रतिनिधि मंडल में जो शामिल थे वह विकी खान, कृपा शंकर निरंकारी, बालाजी, अरविंद कुमार, सौरभ पाल, मिथिलेश तिवारी आदि ये जो सारे सदस्य थे, ये जो सारे अभ्यर्थी थे वह मौजूद थे उनकी टीम में। तो अब देखिए 24 घंटे के अंदर जब अध्यक्ष महोदय से मिलने का समय मिलता है तब उनके सामने बातें रखने पर देखते हैं कि अब उनका क्या इसके संबंध में निर्णय होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।